अजमेर नगर निगम के 60 वार्ड्स के हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 31, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 22 और निर्दलीय 7 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर पूर्वानुमानों को धता बता दिया। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 1 से भाजपा के महेंद्र जैन मित्तल ने कांग्रेस के शैलेंद्र अग्रवाल सहित 3 निर्दलों को शिकस्त देकर जीत का परचम फहराया। वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस के मनोज बैरवा ने भाजपा के प्रदीप हीरानंदानी सहित 4 निर्दलियों को शिकस्त दी। वार्ड 3 से भाजपा के ज्ञानचंद सारस्वत ने कांग्रेस के राजेश लखवानी सहित 1 निर्दलीय को करारी शिकस्त देकर अपने दोनों प्रतिद्वंदियों की जमानत जब्त करा दी। कुल 60 वार्ड्स में सबसे ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज करने वाले सारस्वत पहले प्रत्याशी बन गए हैं। इसी तरह वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय राजेंद्र पवार ने भाजपा के गोपाल सिंह शेखावत और कांग्रेस के नरेंद्र सिंह सहित 1 निर्दलीय को हराया। राजेंद्र सिंह पवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। वार्ड नंबर 5 से भाजपा के कुंदन वैष्णव ने कांग्रेस के विवेक कड़वा सहित 1 निर्दलीय को हराकर जीत दर्ज की है। वार्ड 6 से भाजपा के धर्मपाल जाटो, जो कि पूर्व सभापति सरोज जाटो के पति हैं, ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रताप सिंह यादव सहित 1 अन्य निर्दलीय को हराकर जीत का परचम फहराया। वार्ड नंबर 7 से भाजपा की वंदना नरवाल ने कांग्रेस की नसीम बानो और 1 अन्य निर्दलीय को हराकर जीत दर्ज की। वार्ड 8 से भाजपा के राजू साहू ने कांग्रेस के संजय कुमार सहित 6 निर्दलियों को हराया। वार्ड 9 से कांग्रेस की शेफता नाज ने बीजेपी की तर्जना शेख और 3 अन्य निर्दलियों को हराकर जीत दर्ज की। वार्ड 10 से निर्दलीय सैयद अमार चिश्ती ने कांग्रेस के मोहम्मद शाकिर और भाजपा के सैयद सादिक अली सहित 1 अन्य निर्दलीय को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया। वार्ड 11 से भाजपा के शहर महामंत्री रमेश सोनी ने कांग्रेस के राजेश चौरसिया को हराकर जीत दर्ज की। इस वार्ड से कोई अन्य निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा। वहीं वार्ड 12 में सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला देखने को मिला, जब भाजपा के पूर्व सांसद रासा सिंह रावत के कहने पर भाजपा ने पूर्व पार्षद कमलेश जैन की बहू सलोनी जैन को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस ने एन वक्त पर निर्मला खंडेलवाल का टिकट काटकर रितु गोयल को अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन यहां से भाजपा के बैनर तले टिकट मांग रही भारती श्रीवास्तव ने बगावत कर अपनी बेटी रुचि श्रीवास्तव को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ाया और इस कड़े मुकाबले में कांग्रेस भाजपा सहित निर्दलीयों को पटखनी खिलाते हुए सबसे पहले जीत दर्ज की। बड़े नेताओं ने जो टिकट वितरण किया उसके बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही बगावत उभरी। विशेष रूप से भाजपा में कुछ ऐसे नेता थे जो जनाधार से जुड़े हुए थे, जिनकी उपेक्षा की गई और उन्होंने बगावत की। ऐसी एक नेता है भारती श्रीवास्तव, जिन्होंने पार्टी के विरुद्ध बगावत लड़ते हुए अपनी बेटी को चुनाव मैदान में उतारा। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर उनको इस बगावत के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। देखिए, पार्टी से बगावत मैंने नहीं करी है, पार्टी ने मेरे संग चोट करी है, ये सब जानते हैं इस चीज को। तो बेटी को निर्दलीय जनता के दम पर उतारा गया है, क्योंकि जनता जानती है कि मैंने जो काम किया था उस वर्क को देखते हुए पब्लिक का कहना था कि आप बेटी को खड़ा करें, क्योंकि हमें आप जैसा ही पार्षद चाहिए और काम ऐसा ही होगा तभी आगे लोग बढ़ पाएंगे। तो इस चीज को लेकर मैंने आज बेटी को निर्दलीय उतारा है, जिसका कि जनता ने ये चीज दिखा दी है कि काम ही सबसे कर्म प्रधान होता है, कर्म करने वाला कभी भी हार नहीं सकता है, उसके संग ईश्वर शक्ति साथ रहती है, तो सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इस चीज को लेकर मैंने निर्दलीय उतारा था, जो कि आज आपके सामने रुचि श्रीवास्तव मेरी बेटी यहाँ पर खड़ी हुई है। और मीडिया भाइयों को और मेरी जनता को, जहां जहां तक मेरे इसने मेरे लोगों ने अपना दिखाया था, उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबकी शुभकामनाएं मेरे साथ रही और आज जीतकर आपके सामने रुचि श्रीवास्तव वार्ड 12 में आई है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद अचानक राजनीति में सेवा का जज्बा लेकर रुचि श्रीवास्तव आई है, आखिर उनसे जानते हैं कि वो अपनी जो माताजी है उनकी पद चिन्हों पर किस प्रकार चलेगी और किस तरह पब्लिक की सेवा करेंगी। जी बताइए। जैसे कि किसी ने बोला था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मेरी मॉम ने हमेशा इस बात का सपोर्ट किया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। मैं इस बात का सबूत हूँ आज, क्योंकि पॉलिटिक्स में जैसे सब बोलते हैं, पॉलिटिक्स एक बहुत ही गंदी फील्ड होती है, तो उसमें अगर अपनी बेटी को किसी ने उतारा है तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन है उनके हिसाब से, उनके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन रहा है ये मुझे खड़ा करना पॉलिटिक्स में। बट मैं इस बात का मम्मा के साथ पूरा सपोर्ट करूंगी और मैं मॉम ने आज तक जितने भी काम किए, जैसे सब लोग उन्हें जानते हैं कि भारती श्रीवास्तव इतनी ज्यादा हार्ड वर्किंग थी, इतनी कर्मठ थी कि आज आप देख सकते हैं उनके कार्यकर्ता, जितने भी मीडिया भाई हैं, जितने सब लोगों ने उनको इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया है कि आज मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, मेरी मॉम मेरे लिए रोल मॉडल है, मैं हमेशा उनके पदचिन्हों पर चलना चाहती हूँ। जितना उन्होंने विकास किया है, मैं हम लोग इस साल इन 5 साल ही नहीं, अगले कई सालों तक इसका डबल करके दिखाएंगे। और जो लोग बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, इसे हम पूरा करके दिखाएंगे। थैंक यू।
राजनीति को गंदा कहना आसान है, लेकिन उस गंदी राजनीति को साफ करने के लिए अच्छे लोगों का आगे आना जरूरी है। यही साबित किया है रुचि श्रीवास्तव ने। कैमरा पर्सन दुर्गेश डाबरा के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज। वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस के भारत कुमार धोलखड़िया ने भाजपा के कन्हैया लाल नोगिया सहित एक निर्दलीय को हराकर चुनाव जीता। वार्ड 14 से कांग्रेस के चंद्रशेखर बालोटिया ने भाजपा के हीरालाल नोगिया को हराया। वार्ड 15 में कांग्रेस के हर्षा मोतियानी ने भाजपा की हेमलता गागनानी और एक निर्दलीय को हराकर जीत दर्ज की। वार्ड 16 से कांग्रेस के चंद्रप्रकाश बोहरा ने भाजपा के प्रदीप को हराया। वार्ड 17 से कांग्रेस के सुनील कैन ने भाजपा के गोविंद राज सहित एक निर्दलीय को हराकर जीत दर्ज की। वार्ड 18 से कांग्रेस की उर्मिला नायक ने भाजपा की लक्ष्मी कुमारी सहित दो निर्दलीयों को हराकर चुनाव जीता। वार्ड 19 से भाजपा के भवानी सिंह जेदिया ने अपने प्रतिद्वंदी तीन निर्दलीयों को शिकस्त दी। इस वार्ड से कांग्रेस का पर्चा खारिज होने के चलते कांग्रेस चुनाव मैदान में नहीं रही। वार्ड 20 से एक बार फिर कांग्रेस के श्रवण टोनी ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के ललित कुमार सहित दो निर्दलीयों को हराकर जीत दर्ज की। वार्ड 21 से भाजपा के मोहन लालवानी ने कांग्रेस की रश्मि हिंगोरानी सहित दो निर्दलीयों को शिकस्त दी। वार्ड 22 में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला रहा, जिसमें कांग्रेस की पूर्व पार्षद कुलविंदर कौर की माता अमरजीत कौर ने जीत दर्ज की। वार्ड 23 से भाजपा के संपत सांखला ने कांग्रेस के नवल किशोर सहित तीन निर्दलीयों को हराया। वार्ड 24 भाजपा के दुर्गा प्रसाद शर्मा ने कांग्रेस के योगेश कुमार उबाना सहित एक निर्दलीय को हराया। वार्ड 25 से निर्दलीय रईस अहमद ने कांग्रेस के सदाकत अली और भाजपा के प्रकाश चंद सहित दो निर्दलीयों को हराकर जीत का परचम फहराया। वार्ड 26 में एक बार फिर पूर्व पार्षद भाजपा की उर्मिला गढ़वाल में स्थानीय मतदाताओं ने अपना विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें जीत दिलाई। वार्ड 27 से भी निर्दलीय गीतांजलि राठौड़ ने भाजपा की मधुलता रावत और कांग्रेस की दीपा गुर्जर को हराकर जीत दर्ज की। वार्ड 28 से भाजपा की पिंकी गुर्जर ने कांग्रेस की सुनीता सहित एक निर्दलीय को हराया। वार्ड 29 से कांग्रेस के विजय सिंह गहलोत ने भाजपा के दलजीत सिंह सहित एक निर्दलीय को हराकर जीत दर्ज की। वार्ड 30 से भाजपा की नीतू मिश्रा ने कांग्रेस की सीमा तेनगोर सहित तीन निर्दलीयों को शिकस्त दी। वार्ड 31 से भाजपा की रेखा शर्मा ने कांग्रेस की मंजू शर्मा सहित एक निर्दलीय को हराया। वार्ड 32 से कांग्रेस की द्रौपदी कोहली ने भाजपा की गायत्री सहित दो निर्दलीयों को मात दी। वार्ड 33 से कांग्रेस की रेखा रानी ने भाजपा की तरुण सहित तीन निर्दलीयों को हराया। वार्ड 34 से कांग्रेस की चंचल देवी ने भाजपा की कृष्णा सुचेता सहित एक निर्दलीय को शिकस्त दी। इसी तरह वार्ड 35 से कांग्रेस के चंदन सिंह ने भाजपा के कमलेश कुमार बुंदेल सहित एक निर्दलीय को हराया। वार्ड 36 से कांग्रेस के गोपाल सिंह चौहान ने भाजपा के दिनेश चौहान सहित सात निर्दलीयों को शिकस्त दी। 60 वार्ड में वार्ड नंबर 36 एक अकेला वार्ड था, जहां से 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इसी तरह वार्ड 37 से कांग्रेस की कीर्ति हाड़ा ने भाजपा की बबीता और बहुजन समाज पार्टी की अनिता को शिकस्त दी। वार्ड 38 से कांग्रेस के ललित वर्मा ने भाजपा के भरत कुमार और एक निर्दलीय को शिकस्त दी। वार्ड 39 से कांग्रेस के कैलाश चंद कोमल ने भाजपा के कमलेश सहित एक अन्य को हराकर जीत दर्ज की। वार्ड 40 में भाजपा के प्रत्याशी सोमरत्न आर्य को अपने बागियों के कोप का भाजन बनना पड़ा, जिसके चलते यहां से कांग्रेस के समीर शर्मा ने दो निर्दलियों सहित भाजपा को हराकर जीत का परचम फहराया। वार्ड 41 से भाजपा के नौरत्मल ने कांग्रेस के सुनील और बहुजन समाज पार्टी के जय सिंह सहित एक निर्दलीय को हराकर जीत दर्ज की। वार्ड 42 से भाजपा की बीना ने कांग्रेस की पूजा गुर्जर सहित एक निर्दलीय को हराया। वार्ड 43 में एक निर्दलीय ने भाजपा और कांग्रेस की नाक में दम किया, लेकिन आखिर में भाजपा के सुरेंद्र सिंह शेखावत ने निर्दलीय सहित कांग्रेस के अमोलक सिंह छाबड़ा को शिकस्त देते हुए जीत का परचम फहराया। वार्ड 44 से भाजपा की संतोष मौर्य ने कांग्रेस की सुनीता सहित तीन निर्दलियों को हराकर जीत दर्ज की। वार्ड 45 से भाजपा के जेके शर्मा ने कांग्रेस के अशोक भार्गव सहित एक निर्दलीय को हराकर जीत का परचम फहराया। वार्ड 46 से निर्दलीय ललिता रावत ने भाजपा की ज्योति चौहान और कांग्रेस की मंजू तुनवाल सहित एक निर्दलीय को हराकर जीत दर्ज की। सरकार ने लोकतंत्र के हर स्तर पर शैक्षणिक अनिवार्यता का जो नियम लागू किया है, उससे कई युवा चेहरों को मौका मिल रहा है। ऐसा ही एक युवा चेहरा हमारे बीच चुनाव में जीत के आया है। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या फायदा है जब सरकार इस तरह के जो शैक्षणिक अनिवार्यता का नियम लागू। जी बताइए क्या फायदे हैं? मेन फायदे तो ये है कि पढ़े लिखे यूथ आगे बढ़ेंगे, तो क्योंकि आज यूथ का ही देश का जो भविष्य है वो यूथ के ही हाथों में है, तो जितने भी यूथ हम लोग आगे मिलके बढ़ रहे हैं वो देश का विकास करेंगे। क्योंकि आज जो हमारी जो जीत हुई है, मेरी अकेले की जीत नहीं हुई है, जितने भी हमारे वार्ड के सारे सदस्यों की जीत हुई, क्योंकि उन लोगों की जो आज एकता देखी होगी वो किसी वार्ड में नहीं देखी होगी, उनकी एकता की जीत हुई है। तो वो जो एकता उनमें दिखाई है, वो एकता मिलके बहुत कुछ आगे काम कर सकते हैं और हमारे वार्ड में बहुत अच्छा खासा कार्य होगा और बहुत निर्माण होगा। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर महिला की है कि हर महिला बहुत अच्छे से काम कर सकती है, उनको धैर्य पूर्वक बहुत अच्छा काम करेगी।
और लोगों जनता के हित में सोचेगी। यह थी ललिता रावत, जिनका यह साफ कहना था कि जब राजनीति में शिक्षित और युवा लोग आएंगे तभी राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म होगा, तभी जो विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज से दुर्गेश डाबरा के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज। वार्ड 47 से भाजपा के राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कांग्रेस के महेंद्र को हराया। वार्ड 48 में कांग्रेस के गणेश चौहान ने भाजपा के विजेंद्र सिंह को हराया। वार्ड 49 में भाजपा के महेंद्र जाधव ने कांग्रेस के भरत सिंह सहित दो निर्दलियों को शिकस्त देकर जीत दर्ज की। वार्ड 50 में कांग्रेस की शारदा ने भाजपा के भुवनेश पवार को हराया। 51 से भाजपा के अनिश मोयल ने कांग्रेस के मनीष चौरसिया सहित एक निर्दलीय को शिकस्त दी। वार्ड 52 में भाजपा के भागीरथ जोशी ने कांग्रेस के दीनदयाल शर्मा को हराया। वार्ड 53 में निर्दलीय के त्रिपाठी ने भाजपा के योगेश और कांग्रेस के सुदर्शन जैन सहित तीन निर्दलियों को शिकस्त देकर जीत दर्ज की। वार्ड 54 से भाजपा के धर्मेंद्र शर्मा ने कांग्रेस के सुल्तान सिंह एक निर्दलीय को हराया। वार्ड 55 में भाजपा के नीरज जैन ने कांग्रेस के प्रभु को हराया। वार्ड 56 में पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने कांग्रेस के अमित कुमार पंचोली सहित एक निर्दलीय को हराकर जीत दर्ज की। वार्ड 57 में भाजपा के दीपेंद्र लालवानी ने कांग्रेस के रमेश सेनानी को हराया। वार्ड 58 में भाजपा के प्रकाश मेहरा ने कांग्रेस के सुरेश गुर्जर को शिकस्त दी। वार्ड 59 में भाजपा के वीरेंद्र कुमार वालिया ने कांग्रेस के हमीद खान को हराया। वहीं वार्ड 60 से भाजपा के चंद्रेश सांकला ने कांग्रेस की समरन सहित दो निर्दलियों को हराकर जीत का परचम फहराया। वार्ड की प्राथमिकता मेरी रहेगी साफ सफाई की, क्योंकि पहले साफ सफाई में भैया ने बहुत कोशिश की थी पर वोट बहुत बड़ा था। आज सरकार ने भी इसको देख के इसके वोट के तीन टुकड़े किए थे। इसमें जीत के श्रेय मेरा पूरा मेरा भैया को जाता है और साथ में पूरे वार्ड वासियों को जाता है, यूथ को जाता है और वहाँ की माता और बहनों को जाता है। मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता रहेगा साफ सफाई, दूसरा है लोगों के साथ मतलब हर घर हर व्यक्ति को खुश रख सकूं, हर लोगों को मिल सकूं, लोगों के लिए टाइम निकाल सकूं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोहन लालवानी जी ने आज वार्ड 21 से 161 वोटों से बढ़त हासिल करी है। इसका श्रेय हम विधायक और मंत्री महोदय अनीता बदेल जी को देना चाहते हैं, जिनके विकास फंड से हमने अपने अजयनगर क्षेत्र में काफी अच्छे काम कराए, जिसके करके वहां की जनता ने भरपूर समर्थन देकर और हमें इतने वोटों से जिताया। वार्ड 53 से जनता जनार्दन ने मुझे बहुत बहुमत दिया है, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ और जितनी हो सकेगी मैं उनकी सेवा प्रदान करूंगा 5 साल। वार्ड 44 से भाजपा प्रत्याशी संतोष मौर्य ने लगभग 600 वोटों से जीत दर्ज की है और ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने पूरी मेहनत से वार्ड में मेहनत की और लगभग और लगातार तीसरी बार हमने भारतीय जनता पार्टी को इस वार्ड से विजयी बनाया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जो विकास कार्य जारी है वो आगे भी जारी रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का वोट पोलिंग परसेंट ऐसे ही बढ़ता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है और 80 वोटों से विजय हुई है। सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत तन मन धन से इसका साथ दिया और ये सीट जीत गए हम। अनिश मोयल यहाँ से चुनाव लड़े थे और बहुत ही मेहनती ईमानदार युवक था जिसको जनता ने समर्थन दिया। वार्ड 16 कांग्रेस के समर्थन में हमारे को जीत मिली है, सभी जातियों का हमें समर्थन मिला है। हमें सभी जातियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर कांग्रेस को जीत दिलाई है। 10 नंबर वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार हूँ मैं और मैं 820 वोट से मैं विजय घोषित हुई है अभी मेरी 820 वोट से। और हमारा यही ये है कि हम पूरे दरगाह के चारों तरफ का क्षेत्र का विकास करेंगे और आज तक हमारे दरगाह क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ और दरगाह बाजार के नाले का मेन हमारा मुद्दा है। आज हमने 56 नंबर वार्ड से 865 वोटों से धर्मेंद्र जी गहलोत ने अमित कुमार पंचोली को हराया। अब देखें जो पार्टी तय करेगी उसके ऊपर। वार्ड संख्या 55 से श्री नीरज जी जैन ने 1065 मतों से कांग्रेस के प्रभु गुजरे विजय प्राप्त की। इंडियन कांग्रेस की उम्मीदवार हूं और मेरे मतलब पार्षद पहले पार्षद रहे हुए नौरत गुजर जी, उनकी मैं माता जी हूं और उन्होंने बहुत ही विकास कार्य किए हमारे वार्ड में। हर जगह सड़कें बनवाई, नालियां बनवाई और बिजली की पूर्ण व्यवस्था की गई और उसके अलावा स्वच्छता, हर तरफ स्वच्छता ही स्वच्छता है इस प्रकार हमारे वार्ड का। और इस जीत का श्रेय हमारे पूरे कार्यकर्ताओं और हमारे वार्ड की जो भी मतलब मेंबर हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।